चलो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन है इन ए इन अ इन डी ए एबीसीडी एंड बी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली ए एंड एंड बी ओ एंगल ए और बी के बाइसेक्टर हैं देन प्रूव दैट दैन प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी होगा आपको प्रूव करना है मैं इसको थोड़ा सा रफ डायग्राम बना करके आपको समझा देता हूं क्या है आपके पास में एबीसीडी कोई भी एक कोडिलेटरल है कैसा भी हो सकता है लाइक दैट लाइक दैट ए बी सी

एंगल डी प्लस एंगल सी का हाफ होगा ठीक है आप ट्राई करो पहले और फिर मैं प्रूफ करूंगा अगर आपसे नहीं होता तो नहीं तो वैसे भी प्रूफ तो करूंगा पर आप पहले ट्राई करो ठीक है लेट्स चलो अब इसका प्रूफ देखो आप लोग देखो इसमें ये थ्योरम नहीं है तो इसलिए मैं इस वो गिवन ये करना है वो करना है ऐसा कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि इसने ऑलरेडी सब कुछ गिवन है मैं डायरेक्ट क्या करता हूं मैं इस वाले ट्राइंगल को देखता हूं इसको नेम दे देता हूं एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी बी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री होता है तो इससे एंगल ए बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 180 डिग्री माइनस एंगल वन माइनस एंगल टू और अगर मैं इसको ऐसे लिख दू तो ऐसे लिख सकता हूं एंगल वन प्लस एंगल टू बहुत ध्यान से समझना अब देखो एंगल वन जो है वो एंगल ए का हाफ है तो इट कैन बी रिटर्न 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए एंड एंगल टू एंगल बी का हाफ है तो वन बाई टू को पूरा ही कॉमन ले लो 180 वन हंड्रेड एट्टी डिग्री माइनस वन अपॉन टू एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ अब क्या हुआ एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात करो 180 डिग्री माइनस आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री होता है किसी भी क्वारिलेटरल में तो अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू यहां से निकालते हो तो इट विल बी थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी विद माइनस कॉमन लेने पर सो so, आप यह वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी थ्री सिक्सटी को टू से डिवाइड करते ही वन एटी डिग्री आया सो इट विल बी वन एटी डिग्री माइनस वन डिग्री और ये माइनस का हाफ इधर डिवाइड हो गया तो प्लस वन अपॉइंट टू एंगल सी प्लस एंगल डी बस हो गया प्रूफ वन एटी से वन एटी कैंसल इट इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एंगल सी प्लस एंगल डी प्रूव्ड एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं अगेन समझो इन ट्राइंगल ए बी सी मैंने सबसे पहले एओबी बी लिया मुझे पता है दिस एंगल 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 प्लस प्लस टू इज़ इक्वल डिग्री तो यहां से मैंने एंगल ए बी की वैल्यू निकाल ली जो मुझे चाहिए तो मैंने एओबी की वैल्यू फाइंड करी तो यह है वन एटी माइनस एंगल वन प्लस एंगल टू अब मुझे पता है एंगल वन एंगल ए का हाफ है

ओके नाउ राइट डाउन अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है पेपर में भी आया हुआ है कई बार ठीक है नोट डाउन देखो अभी हमने क्वारिलेटरल को समझा अब हम क्वार्डिलेटर की टाइप्स पर आते हैं तो आप हेडिंग लिख दो टाइप्स ऑफ क्वारिलेटरल नंबर वन इज ट्रेपेजियम सारे क्वाड्रिलेटरल्स की भी बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिवाइन करेंगे जैसे फर्स्ट इज ट्रिपेजियम तो ट्रिपेजियम है क्या अक्वाडिलेटरल हूस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरल मतलब वो क्वारिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरल हो जाए मीन्स लाइक दैट ये ए बी सी डी यहां पर देखो एबीज पैरल टू डीसी ऐसे पी क्यू आर एस यहां पर पी एस इज पैरल टू क्यू आर मीन्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरल सारी पैरल नहीं बता रहा मैं मैं सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरल बता रहा हूं इट इज ट्रिपेजियम तो ट्रेपेजियम है क्या जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरल अच्छा अब याद रखना ये है तो जो की प्रॉपर्टीज थी कि सम ऑफ सॉरी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री तो वो इसमें भी लगेगी ठीक है राइट डाउन नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ क्वारेटर नंबर टू आइसोस्लेस ट्रिपेजियम इसूस है क्या देखो ट्रपेजियम तो ये भी है तो ए ट्रपेजियम हु नॉन पैरल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ मतलब वो ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरल साइड्स लेंथ में इक्वल हो जाए कैसे लाइक दैट ए बी सी डी अब देखो यहां पर ए बी इज पैरल टू डी सी है और नॉन पैरल साइड्स दे आर इक्वल इन लेंथ मींस बी सी इक्वल होगी ए डी के बी सी इज इक्वल टू ए डी अभी मैं ये नहीं करवा रहा इसकी जो और प्रॉपर्टीज है मैं उसको सिर्फ बता देता हूं कि इसमें एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे एंड एंगल सी एंड एंगल डी आर इक्वल अभी इनका प्रूफ नहीं करवा रहे अभी सिर्फ बता रहा हूं कि दे आर इक्वल एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे एट एंगल सी और एंगल डी बी नेक्स्ट इज पैरलिलोग्राम पैरलिलोग्राम पेरलिलोग्राम है क्या अक्वाडी लेटरल हु अपोजिट साइड आर अब इसमें मैंने ये नहीं बोला वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर आर इसमें मैंने ये कह दिया अपोजिट साइडल अब देखो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि पैरलोग्राम क्या होता है लाइक दैट जिसकी अपोजिट साइड ए बी सी डी आर पैर ए बी इज पैर टू डी सी एंड ए डी इज पैरल टू बी सी अपोजिट साइड आर पैरल डेफिनेशन तो यही है अब वो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कई लोग कहते हैं ना कि अपोजिट आर इक्वल. बी इज इक्वल टू डी सी ये इसकी प्रॉपर्टी है ए डी इज इक्वल टू बी सी यह इसकी प्रॉपर्टी है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी मीन अपोजिट एंगल आर इक्वल एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ये सब इसकी प्रॉपर्टी है एटसेट्रा एटसेट्रा तो अभी हम उनको प्रूफ नहीं कर रहे वो मैं थ्योरम के अभी आगे इनकी थ्योरम्स दूंगा और उसमें सबके प्रूफ करेंगे ये जो यहां पर रूल लिख रहे हैं ना इनको सबको प्रूफ करेंगे अभी सिर्फ इतना समझ लो पैरलोग्राम क्या है वो क्वारिलेटर जिसके अपोजिट साइड पैरल हो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है क्लियर नोट डाउन बहुत सिंपल सा रूल अभी बता रहा हूं नेक्स्ट इज ए रोहम्बस आर एच ओ एम बी एस अब याद रखना हम जो बात कर रहे हैं वो अभी सिर्फ थ्योरम्स से ये डेफिनेशन की कर रहे हैं आपके पास में अब पैर दिनो हूज ऑल साइड्स आर इक्वल रोम्बस क्या है वो पैरलिलोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए लाइक दैट ए बी सी डी तो पैरलिलोग्राम है मीन्स ए बी इज पैरल टू डी सी ए डी इज पैरल टू बी सी एंड ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी बी सी सी डी या डी सी कुछ भी लिख दो एंड डी एल साइड आर इक्वल लेंथ सबकी सेम होगी और अब इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इसके एंगल्सनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज है तो वो हम प्रॉपर्टीज का पूरा पूरा अलग सेक्शन करेंगे वहां पर लिखवाऊंगा ठीक है अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन से समझना है ऐसे नेक्स्ट आएगा यहीं पर ही बताया तो नेक्स्ट इज रेक्टेंगल 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 है क्या रेक्टेंगल <coughs> भी एक पेरलिलोग्राम ही है अ पैरलिलोग्राम हु ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री वो पेरलिलोग्राम क्या है जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वो रेक्टेंगल होता है लाइक दैट दिस वन इज अ पैरलेलोग्राम ए बी सी डी ये साइड इसके पैरेलल है ये साइड इसके पैरेलल है और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है तो इसमें भी आ गई ए बी ज इक्वल टू डी सी ए डी इक्वल टू बी सी मीन्स पैरलोग्रा सॉरी रेक्टेंगल के जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरल भी होगी और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू नाइनटी डिग्री बड़े सिंपल से रूल है बचपन में डेफिनेशन से पढ़ चुके हो आप ओके नोट डाउन यस नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज स्क्वायर स्क्वेयर है क्या आप इसके डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हो बेस्ट डेफिनेशन है अ रेक्टेंगल होज साइड्स आर इक्वल अब देखो मैंने रेक्टेंगल लिख दिया ना इसका मतलब अपने आप ही आ गया सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और अपोजिट साइड पैरल होगी लाइक दैट पी क्यू आर एस ऑल एंगल्स आर नाइन्टी डिग्री तो पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर एंगल एस ऑल एंगल्स आर इक्वल टू नाइंटी डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है तो स्क्वायर क्या है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी सारे एंगल भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर और रोम्बस में यही फर्क है रोमबस में सारी साइड्स इक्वल होती है लेकिन ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन यह है कि स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स को इक्वल होना ही पड़ेगा रोहम्बस इज आल्सो, सॉरी स्क्वायर इज आल्सो ए रोहम्बस क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है वो क्वारिलेटल जिसके सारी साइड इक्वल हो रोमबस होता है तो स्क्वायर इज आल्सो रोमबस बट एवरी रोहम्बस इज नॉट एन स्क्वायर कोई भी रोहमबस स्क्वायर uh, हो ये जरूरी नहीं है लेकिन हर स्क्वायर एक रोहम्बस जरूर होगा तो आपको ये क्या इंटर रिलेशन देखना आना चाहिए कि कौन किससे रिलेट हो रहा है ठीक है नोट डाउन और इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप काइट न्यू हेडिंग इज काइट काइट मैं थोड़ा सा शेप उससे आपको क्लियर हो जाएगा लाइक दैट ए बी सी डी अब काइट में क्या खास बात होती है इसमें और सबसे थोड़ा डिफरेंट है इसमें क्या है एडजेसेंट टू साइड्स इक्वल और ये वाली टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है मतलब इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती अपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं होती इसमें वन पेयर ऑफ एडजस्टेंट साइड्स इक्वल एंड अदर पेयर ऑफ एडजस्टेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल डेफिनेशन लिख लो आप ए क्वारिलेटरल विद टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेंट साइड्स टू पेयर ऑफ इक्वल एडजस्टेंट साइड्स याद रहा टू पेयर का मतलब फर्स्ट पेयर यह रहा सेकेंड पेयर ये रहा अब इसमें खासियत क्या होती है इसमें यह वाला एंगल इक्वल आते हैं सिर्फ दिस में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी जो इक्वल साइड्स है ना जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है तो जो अनवल साइड्स के बीच में एंगल बनेंगे आर अन इक्वल साइड्स के बीच में एंगल हमेशा इक्वल होते हैं हमेशा के के इक्वल होते हैं ठीक है नोट डाउन चलो अब कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं ठीक है जो अभी तक हमने ये रूल्स लिखे हैं पैरेललोग्राम रोहम्बस रेक्टेंगल काइट और स्क्वायर uh, अब हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन थ्योरम से स्टार्ट करेंगे थ्योरम है इन्हे पैरलिलोग्राम इन्हें पैरलेनोग्राम दी डायगनल डिवाइड पैरलिनोग्राम एन टू टू कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स कोई भी पैरलिनोग्राम हो उसका डायगोनल उसे टू कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है अब इससे बहुत सारी थ्योरम्स प्रूफ हो जाएगी कोई भी एक डायगोनल लोगे वो उसे टू कॉन्गोरेंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं तो पहले आप समझना हमने एक मन से पैरेललोग्राम बना लिया अब देखो थ्योरम को थ्योरम की तरह से ही प्रूफ करना है ए बी सी डी तो जब भी आप थ्योरम के प्रूफ पर आते हो सबसे पहला स्टेप गिवन गिवन है हमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम अब देखो जैसे मैंने वर्ड यूज लिया ए बी सी डी इज ए पैरलिलोग्राम मीन अपोजिट साइड आर पैरल बस सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है पैरलिल्राम की डेफिनेशन है अपोजिट साइड आर पैरल यानी कि ए बी इज पैरल टू डी सी ये हमें गिवन है एंड बी सी इज पैर टू ए डी ये हमें गिवन है और इसके अंदर एक डायगनल और ले लो डायगनल आपको इसने कहा ना इट्स डायगेल डिवाइडेड तो ये एक डायगेल ले लिया ए सी इज इट्स डायगेनल ए सी इसका एक डायगेनल है तो जैसे ही ए सी इसका एक डायगनल आया आपके पास में गिवन हमें है नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्गोरेंट होंगे अब देखो जिस सीक्वेंस में प्रूव करना है वैसे ही आपको प्रूव करना है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल देखो मैंने साइड ऐसे लिया ना ए बी सी तो इसके इक्वल साइड यहां से होगी तो सी डी ए कॉनगुर एंड टू ट्राइंगल सी डी ए हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं प्रूफ पर चलता हूं डायरेक्ट देखो सबसे पहली बात ये टू साइड्स पैरेलल है ए बीस पैरल टू डी सी और यह एक लाइन बीच से जा रही है तो इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल सी डी ए एस पैरल टू डी सी गिवन और यह लाइन बीच से जारी है तो श्योर है दीज टू एंगल्स आर इक्वल इसको नंबर वन दे दो इसको नंबर टू दे दो देर फोर एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे क्यों इक्वल होंगे क्योंकि जब भी टू लाइने पैरल हो और एक लाइन कट करती है तो यह दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण से ये दोनों एंगल एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो गए ऐसे ही ये टू लाइन भी पैरेलल है ए डी इस पैरल टू बी सी ये लाइन भी इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा आप इसको नंबर दे दो थ्री और इसको दे दो नंबर फोर तो इससे एंगल थ्री भी एंगल फोर के इक्वल होगा सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये भी आपके पास में इक्वल आ गया अब अगर आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी रीजन कॉमन साइड तो अगर आप देखो तो एंगल इक्वल साइड इक्वल एंड नेक्स्ट एंगल भी इक्वल तो इंटर फोर बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से बोथ आर कॉन्गोरेंट हमने पीछे प्रूफ करी थी पहले एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया अगर नहीं याद हो तो यूट्यूब पर पीछे बैक में लेक्चर देख लेना एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया प्रूफ किया हुआ है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया प्रूफ किया है कॉन्गोरेंट ट्रायंगल का तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट हो गए देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल सी डी ए बी सी एंड सी डी ए दोनों के दोनों कॉन्गोरेंट ट्राइंगल आ गए तो आपके पास में दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट आ गए अब देखो जैसे कॉन्गोरेंट आते हैं कई कंडीशन और प्रूफ हो जाती है इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है जैसे ही टू ट्राइंगल कॉन्गोरेंट आए कॉन्गुरेंट ट्राइंगल होते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दे पूरी तरह से कवर कर दे इसका मतलब ए बी और सी डी इक्वल होंगे इसका मतलब ए बी एंड कॉन्गुरेंट ट्रायंगल मीन्स ये वाली इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी कॉरस्पोंडिंग साइड इक्वल होगी तो ए बी एंड सी डी इक्वल होंगे देआर फॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी आते ए बी और सी डी इक्वल हो गए मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो अगर कभी थ्योरम आ जाए कि प्रूफ करो इन्हें क्वारिलेटरोग्राम अपोजिट साइड्स आर आर इक्वल तो आप यह भी प्रूफ कर सकते हो यही पूरा लिख करके ट्रायंगल के आगे लिख देना देर फोर एंड अपोजिट साइड इक्वल अगर ये आता है तो भी आपको ये प्रूफ करना है पूरा ए बी इज इक्वल टू सी डी और ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू डी ए बी सी इज इक्वल टू डी ए पहले तो ये चीजें आ गई दूसरा एंगल ए बी सी क्योंकि कॉन्गोरेंट ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी ज इक्वल टू एंगल सी डी ए मीन्स अपोजिट एंगल भी इक्वल आ गए एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल अब देखो मैंने आपको एक ही स्टेप में ही कंडीशन थ्री करवाई है पेरलिलोग्राम में डायगनल कॉन्गुरेंट ट्राइंगल बनाएगा ये थ्योरम प्रूफ हो गई अगर ये थ्योरम आए तो आपको यही प्रूफ करना है अगर आ जाए पैरेललोग्राम की अपोजिट इक्वल होती है, तो भी यही प्रूफ करना है सारा का सारा कॉन्गुर प्रूफ करना और उसके अंदर लिख देना देअर फोर कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा अगर आ जाए कि कॉन्बूर सॉरी ग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी यही प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट आएंगे उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे तो आप कैसे ये भी इक्वल हो गए लेकिन अभी तो सिर्फ ये दोनों इक्वल आए लेकिन ये टू तो इक्वल नहीं हुए अभी तक तो अगर आप ध्यान दो इससे भी कर सकते हो आप डाइगनल ऐसे ड्रॉ कर देते डायगेल ऐसे ड्रॉ कर देते अब आप इस वाले ट्रैंगल और इस ट्राइंगल को कौन प्रूव कर देते तो आपका ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाता ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते आपका काम फिनिश था ठीक है नोट डाउन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके राइट डाउन तो इट मींस हमने वन थ्योरम नहीं करी हमने थ्री थ्योरम करी है कि अगर कभी भी आपको कहता है पैरेललोग्राम में डायगनल जो ट्राइंगल बनाएंगे वो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्गोरेंट तो हमने वो प्रूफ कर दिया अगर कभी आपको कहता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके अंदर सॉरी पैरेललोग्राम हो जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये भी यहां पर प्रूफ हो गया है अगर कभी ये कहे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो वो भी यहां पर प्रूफ हो गया ठीक है थीके? तो देखो हमने देखा जाए तो थ्री थ्योरम प्रूफ करिए तो अब जो आपके ऐसे आपकी बुक में अलग अलग थ्री थ्योरम्स थी लेकिन उन तीनों के प्रूफ से भी ऐसे मैंने एक ही थ्योरम प्रूफ करी और लिख दिया तीनों स्टेटमेंट ऑल थ्री स्टेटमेंट्स पहली स्टेटमेंट अपोजिट डायगोनल टू इक्वल कॉन्फोरेंट ट्रायंगल बनाएगा सेकंड थ्योरम अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल थर्ड थ्योरम अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल नेक्स्ट थ्योरम नंबर फोर थ्योरम नंबर फोर अब इसे प्रूफ करना है क्या है थ्योरम नंबर फोर द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर ईच अदर कि पैरिलोग्राम के, के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास में ये एक पेरलिलोग्राम है कैसा भी बना सकते हो ए बी सी डी इट इज ए पेरलिलोग्राम ये इसका फर्स्ट डायगनल है ये इसका सेकंड डायगनल है इन दोनों ने एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट किया तो उस केस के अंदर ये वाला डायगनल इस पॉइंट पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ये प्रूफ करना है और ये पॉइंट ओ इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ये हमें प्रूफ करना है कि ये इस ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ये part, ये पार्ट पार्ट इक्वल है मतलब ओ जो है वो हर डायगनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ये हमें प्रूव करना है ठीक है चलो पहले आप ट्राई करो चलो देखो इसका प्रूफ सबसे पहले गिवन क्या है गिवन है ए बी सी डी इज अ सी एबीसीडी एक पेरनिलोग्राम है एंड एडी एंड बी सी आर इट्स डायगनल एडी और बीसी इसके सॉरी ए सी एंड बी डी ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगनल। अब प्रूफ क्या करना है टू प्रूव एसी एज इक्वल टू ओ सी होगा एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा ये प्रूफ करना है टारगेट है हमारे पास में तो इसके लिए प्रूफ पर चलते हैं बड़ा इजी है प्रूफ में ट्राइंगल ए बी इन ट्राइंगल ए बी एंड सी ओडी की बात करता हूं एंड ट्राइंगल सी ओ डी इन टू की बात करता हूं कि दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया हमारा काम हो जाएगा देखो कैसे सबसे पहले तो ए बी और डी सी साइड इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू डी सी क्यों अपोजिट साइड ऑफ पैरिलोग्राम आर इक्वल तो एक चीज तो हमारे पास में ऑलरेडी इक्वल आ गई नेक्स्ट पॉइंट देखो यह साइड इसके इक्वल भी है और पैरल भी है तो जब यह लाइन ऐसे जा रही है और यह लाइन इस तरह से कट रही है तो इट इज इस ट्रांसवर्सल इसको एंगल वन दे दू इसको एंगल टू दे दू तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा क्यों होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई टू साइड्स आर पैरेलल और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे ही ये लाइन भी जा रही है इट इज आल्सो ट्रांसवर्सल सो एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर इक्वल ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो आपके पास में दोनों ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल जैसे जैसे इक्वल है वैसे वैसे लेना एंगल वन और एंगल टू इक्वल है तो एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल इसलिए बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल सीओडी दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्गोरेंट आए कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल तो इससे इक्वल होगा सीओ के एओ इक्वल टू सीओ रीजन कॉरस्पोंडिंग साइड आर इक्वल ए और सीओ इक्वल होंगे ऐसे ही बीओ एंड डीओ ओबी एंड ओडी भी लिख सकते हैं BO equal to DO, same reason corresponding sides are equal. खत्म दोनों ट्राइंगल ये थ्योरम भी प्रूफ हो गई के टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है बाई डाइगनल बाई सेक्ट इच अदर ओके राइट डाउन चलो तो देखो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ पॉइंट्स करे थे उन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट था पैरलिनोग्राम हमारे पास में गिवन था ए बी सी डी तो इससे रिलेटेड हमने जो थ्योरम्स डिराइव करी थी वो थ्योरम्स के हिसाब से कुछ पॉइंट हमने लिखे थे तो नंबर वन इन ए पैरलिनोग्राम नंबर वन पॉइंट जो हमने डिराइव किया था वो ये था डायगनल डिवाइडेड डायगनल डिवाइड इट इंटू टू कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स के डायगनल अगर आप ड्रॉ करते हो तो टू कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स बन जाते ये हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव कर दिया था नंबर टू पॉइंट इज आपके ऐसे सेकेंड पॉइंट था अपोजिट साइड आर इक्वल इक्वल डाइग यह अपने पैरलिलोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेंथ में ये भी हमने डिराइव कर लिया था नंबर थर्ड पॉइंट जो हमने डिराइव किया था वो था अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलिलोग्राम आर इक्वल ोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं हमने ये भी प्रीवियस क्लास में डिराइव कर लिया था नेक्स्ट हमने फोर्थ पॉइंट एक डिराइव किया था कि अगर आप इसके डायगनल ड्रॉ करते हो लाइक दैट फर्स्ट डायगनल ये और सेकेंड डायगनल ये तो इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर इसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं हमने ये फोर कंडीशन डिराइव कर ली थी उसके अलावा एक कंडीशन हम और भी लिख सकते हैं क्यों कैसे लिख सकते हैं आप कैसे देखो ये पैरिनोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरल है और ये लाइन जब जा रही है तो इट विल बी कंसिडर एज ए ट्रांसवर्सल और हमने पहले थ्योरम्स प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ लिया था कि कंजुकेटिव एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है तो अगर आप उसको एज ए थ्योरम नहीं भी लिखो तो भी आप उसको एज ए पॉइंट लिख सकते हो फिफ्थ अगर आपके पास भी, इन्हें पैनलोग्राम ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ऐसे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ऐसे एंगल सी प्लस एंगल डी क्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और ऐसे ही एंगल डी प्लस आल्सो इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री ये सारी की सारी चीजें हम पहले कर चुके थे एक बार रिवाइज कर लो आप जल्दी से और इसे एक साथ नोट कर लेना ठीक है ताकि आपको यह लर्न रहे ओके ना नोट डाउन चलो अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं नेक्स्ट थ्योरम है इन ए पैरलिलोग्राम किसी भी पैरलिलोग्राम में बाइसेक्टर ऑफ बाईसेक्टर ऑफ एनी टू भाई आपके यहां से कोई भी पैनलिलोग्राम है उसके टू कंजुकेटिव एंगल्स एनी टू कंजुकेटिव एंगल्स बाई सेक्टर ऑफ एनी टू कंजुकेटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट एट राइट एंगल मीन्स आपके पास में कोई भी पैरलिलोग्राम है ए बी सी डी ही ले लेता हूं ए बी सी डी इसके टू कंजुकेटिव एंगल्स के बाइसेक्टर ले लो मींस आप इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ले लो और आप इस एंगल का बाइसेक्टर ले लो ये दोनों मान लो ओ पर है ये बाई सेक्टर का मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलेंगे ये हमें प्रूव करना है मीन्स हमारा टारगेट है एंगल ओ विल बी 90 डिग्री हमें ये प्रूव करना है तो देखो कैसे करें सबसे पहले आप ट्राई करो देन मैं करूंगा ठीक है पहले आप ट्राई करो देखो आई थिंक आप लोगों से प्रूफ हो गया होगा फिर भी अब आप, आप मैच कर लो प्रूफ का तरीका क्या होगा सबसे पहला स्टेप गिवन गिवन में आप लिख लेना ए बी सी डी इज अलो ग्राम इन विच ए का बायसेक्टर और बी के बायसेक्टर इन विच ये कह रहे हैं ना द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंजुकेटिव एंगल एंगल ए एंड एंगल बी आर कंजुकेटिव एंगल्स एंड ए सॉरी इज दी बाई ऑफ एंगल ए एंड बी ओ इज दी बाईसेक्टर ऑफ एंगल बी ए का बाई सेक्टर है बी ओ बी का बाई सेक्टर है यह दोनों मिल किस पॉइंट पर रहे हैं पॉइंट ओ पर तो आपके पास में गिवन ही है अब हमें प्रूफ क्या करना है गिवन के बारे में टू प्रूफ। प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री ये प्रूफ करना है तो इसके लिए आप क्या करो देखो प्रूफ आपको बताए एंगल ए और एंगल बी कंजुकेटिव एंगल्स हैं बिकॉज ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी कंजुकेटिव एंगल्स इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी ज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और ये बाइसेक्टर ड्रा हुए तो एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ इज इक्वल टू वन एटी डिग्री का हाफ तो क्या आया एंगल ए बाई टू आप इसको नेम दे दो एंगल वन इसको दे दो एंगल टू एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू एंगल वन क्योंकि बाईसेक्टर है एंगल बी बाई टू इक्वल टू एंगल टू वन एटी अपॉइंट टू इज नाइनटी डिग्री आपके पास में एंगल वन और एंगल टू का एडिशन 90 डिग्री आ गया अब आपको पता है कोई भी ट्रायंगल हो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ओ आप एंगल ए ओ बी लिख दो इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल के थ्री इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है अब आपको ऑलरेडी पता है इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू नाइनटी डिग्री इसकी जगह पर यू कैन पुट नाइनटी डिग्री प्लस एंगल ए बी इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस 90 डिग्री सो एंगल ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री so भाई हमने जस्ट वैल्यू पुट करी तो आपके पास में ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया जो आपको प्रूफ करना था अगर पेपर में प्रॉपर ये मेथड लिखते हो ना गिवन टू प्रूफ प्रूफ तो आपके फुल मार्क्स आते हैं तो आपको अगर मार्क्स बनाने हैं पूरे के पूरे तो आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा ओके नोट डाउन चलो नेक्स्ट थ्योरम बड़ी प्यारी थ्योरम है थ्योरम ये थ्योरम हमें यह कहती है इफ डायगनल अब ध्यान देना इफ लिखा है मैंने इफ डायगनल ऑफ ए पैरलिलोग्राम अगर किसी पैरलिलोग्राम का डायगनल Bisect one of the angle, bisect one of the angle of parallelogram. Then it also bisect. सेकेंड एंगल ऑफ पैरलिलोग्राम मीन्स अगर पैरलिलोग्राम का कोई एक डायगनल लाइक दैट ये पैरलिलोग्राम है मान लो इसका ए बी सी डी ये पैरलिलोग्राम है इसका एक डायगनल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये सेकेंड एंगल को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इस रूल को समझना अगर ये इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसको भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एंड दिस पैरेललोग्राम इज अ रोहमबस और पेडलिलोग्राम एक रोहबस बन जाएगा ठीक है तो देखो आप इसे प्रूफ पहले खुद ट्राई करो एंड देन मैं करूंगा ठीक है पहले ट्राई करो आप चलो अब मैं इसका प्रूफ करता हूं आप लोग मैच करो देखो प्रूफ में सबसे पहला स्टेप गिवन, गिवन में हमें लिखना होगा इज़ ए पेडलिलोग्राम इन विच ए सी इज दाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ए सी एंगल ए का बाइसेक्टर है इसका मतलब अगर मैं इसको नेम दे रहा हूं एंगल वन और इसको नेम दे रहा हूं एंगल टू तो इसका मीनिंग है एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे यह हमें गिवन है नाउ गिवन के बाद में हमें प्रूव क्या करना है टू प्रूव प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर इसको भी बाइसेकट करेगा मींस एंगल थ्री और एंगल फोर भी इक्वल होंगे मींस टू प्रूव करना है एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर एक तो ये प्रूव करना है एंड वन मोर थिंग एंड ए बी सी डी इज ए रोहम्बस ये भी प्रूफ करना है ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है एक तो एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल होंगे एंड ए बी सी डी इज ए रोहम्बस ये दो चीजें प्रूफ करनी है तो देखो क्या करो आपको पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो बिकॉज ऑफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी एबी और डीसी पैरल है तो एंगल फोर और एंगल वन इक्वल होंगे देर फोर एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों इक्वल होंगे और ऐसे ही ए डी एंड बी सी भी इक्वल है पैरल है इसलिए एंगल टू एंड एंगल थ्री भी इक्वल होंगे सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल वन एंगल फोर के इक्वल है एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है और हमें ऑलरेडी पता है एंगल वन और एंगल टू इक्वल है इनको आप एक एक नंबर दे दो इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री तो बाय इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री वन टू और थ्री से क्या हुआ एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर सब इक्वल आ गए एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर क्योंकि वन टू के इक्वल है टू थ्री के इक्वल है वन फोर के भी इक्वल है तो टू और फोर भी इक्वल हो गए थ्री और फोर भी इक्वल हो गए तो सारे एंगल इक्वल हो गए मीन्स ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया मीन्स एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल आ गए यही तो हमें प्रूव करना था तो हैंड्स प्रूव एक चीज तो प्रूव हो गई ये तो हमारे पास से प्रूफ हो गया अब हमारा अगला टारगेट इसे प्रूव करना है ये एक रोमबस है तो देखो नाउ अभी अभी आपने प्रूव किया है एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर सब इक्वल है तो इसका मतलब एंगल वन और एंगल थ्री भी इक्वल है देयर फोर एंगल वन और एंगल थ्री इक्वल है किसी भी ट्रैंगल के अंदर किसी भी ट्रैंगल के अंदर अच्छा यहां से प्रूफ लिखना था मैंने एक चीज मिस कर दी प्रूफ इसके भी मार्क्स हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल हो जाए तो टू साइड्स भी इक्वल होती है दे आर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसलिस्ट ट्राइंगल और जैसे आइसोसलिस्ट ट्राइंगल हुआ ए बी इक्वल आ गया बी सी के बस काम हो गया क्योंकि आपको बता ये पैरलोग्राम है तो ए बी डी सी के इक्वल होता है और सी ए डी के इक्वल होता है पैरलेलोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और जब ये दोनों साइड इक्वल आ गई इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल मीनस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स ए बी सी डी इज ए रोहमबस इंपॉर्टेंट थ्योरम है नोट डाउन और इसको रिवाइज जरूर करना एटलीस्ट वंस यू शुड रिवाइज राइट डाउन चलो नेक्स्ट वन मोर थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम इज द एंगल बाई ऑफ ए पैरेललोग्राम नेक्स्ट थ्योरम

किसी भी पैरलिलोग्राम के एंगल बाई हमेशा एक रेक्टेंगल बनाते हैं कैसे पहले मैं एक और डायग्राम बना करके समझाता हूं फिर आप इसे प्रूफ करना ये एक पैरलिलोग्राम है ठीक है शेप थोड़ी सी टेडी बन सकती है मुझसे ड्राइंग कभी कभी दिस वन ए बी सी एंड डी इट इज अ पैरलिलोग्राम पेलोग्राम के एंगल बाय अब याद रखना एंगल बाय सेक्टर है ये नहीं डायगनल की बात नहीं हो रही है एंगल बाई सेक्टर है मान लो ये इसका एंगल बाई सेक्टर जा रहा है, जो टू में एंगल को कर रहा है इसका एंगल बाई सेक्टर कुछ यहां से गया एंगल का बायटर यह गया इस एंगल का बाई सेक्टर यह गया ये हमारे पास में एंगल बायसेक्टर मिल रहे हैं मान लो ये मिलते हैं पी पर इधर ले लेता हूं क्यू नेम इधर आर और इधर एस तो हमारे पास में ये प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल ये प्रूव करना है पहले आप ट्राई करो ठीक है देन मैं सॉल्व करूंगा गिवन टू प्रूफ प्रूफ सब आपको लिखने अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो तो वो भी करो ट्राई देखो प्रूफ आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा बहुत ज्यादा सिंपल प्रूफ है तो सबसे पहले गिवन गिवन है ए बी सी डी इज अलोग्राम ए बी सी डी पैरलिलोग्राम है ए आर बी आर डी पी एंड सी पी आर एंगल बाईसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी आर एंगल बी का डी पी एंगल डी का एंड सी पी एंगल सी का रिस्पेेक्टिवली ठीक है तो हमें प्रूव करना है गिवन ये है टू प्रूव प्रूव क्या करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल ये प्रूव करना है तो देखो प्रूफ पे चलते हैं आपने पहले ही बाय प्रीवियस थ्योरम, वी नो दाय सेक्टर्स ऑफ कंजुकेटिव एंगल्स ऑफ पेरनिलोग्राम इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री ये हमने आज ही थ्योरम करी है प्रीवियस थ्योरम यही थी प्रीवियस थ्योरम यही करी थी कि बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास में ए बी सी डी का बाइसेक्टर्स की बात हुई है तो जब हमने बाइसेक्टर्स की बात करी तो सबसे पहले एंगल, A and एंगल C, ए एंड एंगल सी सॉरी एंगल बी के बाइसेक्टर मीट एट लिख देना बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट पी सॉरी पॉइंट आर देयर फोर एंगल आर इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये एक एंगल तो नाइन्टी डिग्री आ गया ऐसे ही बाईसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी मीट एट पी इसलिए एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया भाई इन टू कंजुकेटिव एंगल के सेक्टर यहां मिले इनके यहां मिले ये यह तो 90 90 डिग्री हो गए अब ऐसे ही सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट क्यू पॉइंट देखो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर क्यू पर मिल रहे हैं इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और जैसे ये एंगल 90 डिग्री हुआ इसके बैक वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसलिए आप लिख सकते हो देर फॉर एंगल बी क्यू सी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और बी क्यू सी नाइन्टी डिग्री होने के कारण से मैं इस वाले एंगल को भी नाइन्टी डिग्री ले सकता हूं देयर फॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू नाइंटी डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल तो जब भी यह एंगल भी नाइनटी डिग्री आ गया यह भी नाइनटी ये भी नाइन्टी सिमिलरनी एंगल एस भी नाइन्टी डिग्री हो गया यहां लिख देना सिमिलरनी एंगल एस इक्वल टू नाइंटी डिग्री तो आपके पास एंगल P 90, एंगल Q 90, एंगल R 90, एंगल S 90। तो आपके पास अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 90 डिग्री के हो तो ये श्योर है वो रेक्टेंगल होगा ही होगा अगर आपके ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री हो तो श्योर है वो रेक्टेंगल होगा ही तो इसलिए पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल अब कोई सोचते हैं सर ये स्क्वायर भी तो हो सकता है हो सकता है हो सकता है कोई केस ऐसा बन जाए कि स्क्वायर बन जाए बट आपको पता है स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है तो ये थ्योरम वहां पर भी वैलिड हो जाएगी ठीक है नोट डाउन अच्छी थ्योरम है नोट डाउन